अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दुआएं आप सब की और मेरे सब देखने वालों को, जो जहाँ जहाँ से भी मुझे वॉच करते हैं, जिस जिस मुल्क से भी मुझे वॉच करते हैं, उन सब को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप भी सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैंने कल आपको एक शर्ट दिखाई थी जो मैं बना रही थी, शर्ट जो मैं ज़िम्मे लगाई थी वो शर्ट बनाने के लिए। तो वो शर्ट, इसका घेरा ये, इसका सारा घेरा है और ये इसकी बैक, इसकी ना बैक है सारी। आगे भी इसका ऐसा मैंने स्टाइल बनवाया था और पीछे भी मैंने ऐसा ही बनवाया था। ये देखिए पीछे भी जो है ना नग लग चुकी हुई है तकरीबन। बस ये जो है ना ये इन पे लगने वाला रह गया है, बच्चों को याद नहीं रहा तो इस पे लगने वाला रह गया। ये भी कंप्लीट करवा लूँगी इनसे। देखिए ये बाजू पे बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मा मुझे ना चूरी बना के दें। अब मैं बच्चों के लिए चूरी बनाने आई हूँ। खाने में मैं क्या पका रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने लिए थोड़ा सा बना रही हूँ लोबिया चिकन। ये देखें ये मेरा चिकन भुनने वाला हो गया, थोड़ा सा ही बना रही हूँ सिर्फ है लोबिया थोड़ा सा। ये देखें इतना सही है, तकरीबन एक कप जितना, आधा कप जितना है। ये मैंने बॉयल कर लिया था इसको, तो भून के मैं इसी में डाल दूंगी। चिकन मेरा भुन जाएगा तो मैं इसी में डाल दूंगी, फिर मेरा सालन बन जाएगा। और तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, मैंने कहा मैं चले आपको चूरी बना देती हूँ आप वो खा लें। ये तकरीबन 4:30 का टाइम। मेरा जो फ्रॉक है ये पहनी है दुआ ने, कब पहनी है ये मैं आपको अनकरीब आने वाले दिनों में बताऊंगी कि ये इसने कब पहनी है और इसके साथ मैंने क्या क्या किया है। इन दुपट्टे पे मैंने इसकी लैस लगा लिया, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही प्यारी लैस है इसकी ना, ये देखें। और इसके सूट के साथ भी मैच हो रही थी, इसके पैनल के साथ मैच हो रही थी। देखिए खुद ही लगा ली थी इसको। तो ये चिकन मेरा हो गया रेडी, थोड़ा सा मैंने भून लिया था इसको, तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये थोड़े से, थोड़ा सा लोबिया पड़ा हुआ था, मैंने कहा ज़ाया होने से बेहतर है कि चलो पक जाएगा। 2-3 बोटियाँ मैंने निकाली चिकन की और उसमें मैंने ये बना लिया, मेरा सालन बन गया एक। ये अभी डन हो गया माशाल्लाह से, मैं ये तकरीबन एक प्लेट जितना बन गया है, मैं और दुआ खा लेंगे आराम से। रोटी बनाई थी तो ये चूरी भी माशाल्लाह से हमारी बन गई है, बच्चे खा लें। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो, और ये ना लगाने से ना ये अच्छी सी बन गई है, लगाने से ही फ्रॉक हैवी हो गया। और ये तो ये मेरा बहुत पुराना फ्रॉक है तकरीबन, ये देखें इतना अच्छा है ये मेरा फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद है। इसका कपड़ा भी, स्टफ भी बहुत अच्छा है। दुपट्टा और शर्ट थी तो मैंने इसका फिर यूँ ना टेलर को, चीज़ें होती हैं कि जो बहुत ही अच्छी होती हैं क्वालिटी में, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, तो वो टाइम दे भी देता है, तो ये ख़राब नहीं हुआ। हालांकि माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं इसको, अभी 12 साल मैंने आपको शायद आपको बताया, 12 साल हो गए फ्रॉक को सिले हुए। और मैंने सिर्फ तकरीबन पहना होगा, मैंने 2-3 दफ़ा पहना होगा और मैंने बहुत सारे काम किए हैं। देखे मैंने अभी आपके सामने लोबिया का सालन बनाया है और अभी मैंने बच्चों को चूरी बना दी है, बहुत सारे काम समेट रही थी। तो मैंने कहा किचन में देखा है आपने मैं कितने सारे अभी काम कर रही हूँ, अभी मैंने इतना काम किचन का मैंने छोड़ा है, बहुत से काम अभी मेरे रह गए हैं वो मैं बना लूँ। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ही बस शूट कर लेती हूँ लोबिया की रेसिपी आप लोगों के साथ। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।